आज यहाँ पर नेशनल हाईवे सेंटर ने जो नेशनल हाईवे है यहाँ पर आए थे हम, आके इनको मनवी पत्र दिए। उसकी वजह क्या है बोले तो दो दिन पहले नासिर नाम के एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया, दो लोग का, जो अभी अभी हमारे को अभी सुबह मालूम पड़ा कि भाई आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस की बात है कि आए दिन नौजवान हमारे वहाँ पर उनका इंतकाल हो रहा है, और यहाँ के लीडर्स, यहाँ के हमारे MLAs, MPs, इंचार्ज मिनिस्टर, जो भी जीत के आए हैं, उनको हम एक महीने दो महीने पहले से बोलते आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर रिंग रोड की हालत बहुत ख़राब हो गई है। 6 महीने पहले रिंग रोड का काम हुआ, प्याचर खुआ, मतलब रिंग रोड का काम हुआ, एक पतली लहर डाल दिए जो खाली एक हल्के से पानी में पूरा चले गए। तो यहाँ पर जो हमारे इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के जो भी इंजीनियर्स हैं, ये इनकी नज़रअंदाजी करने की वजह है जो आज रिंग रोड की हालत ऐसी हुई है। और हमारी डिमांड्स है, फर्स्ट डिमांड्स क्या है बोले तो इमीडिएट रोड का वर्क चालू होना, और जो पैच वर्क है, जो गड़े हो गए, वो इमीडिएट पैच वर्क करके उसके ऊपर नई रोड बनाना बोल के फर्स्ट कंडीशन रखे हैं। सेकेंड कंडीशन हमारे क्या है डिमांड्स बोले तो, जो लारी दिन में जो सिटी में एंट्री ले रहे रिंग रोड पर, वो एंट्री बंद होना, उनको रात में एंट्री लेना वो लोगों लारे वाले, क्योंकि रोड छोटी हो गई, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, आजू बाजू जो एरिया हो गए हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हो गई, रिंग रोड के बाहर एरिया बहुत, मतलब बहुत 3 किलोमीटर तक जो है आबादी हो गई। तो उसके लिए जाने आने में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हागर क्रॉस पे आए दिन ट्रैफिक जाम होता, एक एक दो दो घंटे लगते हैं, अभी स्कूल्स बंद हैं, तो ये हाल है। अभी स्कूल्स आने वाले दिनों में, अभी कल ही देखा मैं न्यूज़ में कि भाई ये जो ये है स्कूल्स का 9th और 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्कूल का गाइडलाइन आया कि भाई 21 तारीख से आने वाली 21 तारीख से ये चार क्लास चालू होंगे बोल के। तो उसके बावजूद इतने एक्सीडेंट्स हो रहे, अगर स्कूल्स अगर चालू हो गए तो अतराफ के 4 किलोमीटर के रेंज में इतने स्कूल्स, इतने कॉलेजेस हैं, तो जब आने वाले दिनों में वो बच्चों की हालत क्या होंगी। तो मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ हम कंडीशंस क्या, और हम जो कॉपी टू जो है हमारे MP साहब और इंचार्ज मिनिस्टर साहब को, DC साहब को भी कॉपी टू दिए हैं, 1 महीने के अंदर अगर ये लोग इमीडिएट यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जो हागर क्रॉस पे हम बैठ के इंशाल्लाह वहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक काम नहीं होगा, जब तक टेंट मार के वहीं बैठेंगे। आपके मीडिया के थ्रू मैं हमारे लीडर्स को और जो ऑफिशियली जो हमारे ऑफिस के ये हैं जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी जिम्मेदार हैं ये नेशनल हाईवे के, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह ये लोग अगर ये आज के बाद अगर और आज के बाद अगर एक भी एक्सीडेंट हुआ, अगर एक भी फ्रैक्चर हो गया किसी का, तो हम जो एक्सीडेंट्स करा उसके ऊपर केस नहीं करेंगे, जो ऑफिसर जो इंचार्ज है उसके ऊपर बुक करेंगे। और रिंग रोड पे कल एक एक्सीडेंट हो गया, एक नौजवान नासिर नामी का, आज सुबह उसका इंतकाल हो गया। वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ है कि वहाँ का जो रोड वर्क हुआ था 2 या 3 महीने पहले, वहाँ पर जो पैच वर्क हुआ था और वो वर्क में रोड अनेबल, यानी कि नीचे ऊपर रोड रहने की वजह से जब गाड़ियाँ जाते हैं, गाड़ी स्केट होके गाड़ी गिर जाने के बाद उसके ऊपर से रोड के ऊपर से लारी जा रही है, इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पर। रोड जो रोड का काम हुआ है बिल्कुल ही गलत हुआ गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हम यहाँ पे आके, हम जनता दल सेक्युलर की जानिब से यहाँ मेमोरेंडम दिए हैं अली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की के कहने पर, हमने हमारी तमाम टीम ने, यूथ के प्रेसिडेंट और तमाम टीम ने, हम आके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिए हैं, लेटर दिए हैं कि अगर ये 1 महीने के अंदर अगर काम नहीं होगा तो हम उसी रोड पर धरना देकर स्ट्राइक करेंगे, एहतजाज करेंगे। और वहीं जनता दल सेक्युलर और मिस्टर अलीम इनामदार और अर्जी और दूर अर्जी कोट्टिदारे, इधर बगे ना कूलंकुशवा परिशीलिसी ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ತಗೋತೀವಿ. ದೋ ದಿನ ಪೈಲೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಪರ್ ನಾಸಿರ್ ಅಹಮದ್ ಜೊ 21 ಸಾಲ ಬಚ್ಚಾ ಥಾ ಉಸ್ಕಿ ಲಾರಿ ಕೋ ಲಗ್ಕರ್ ಟಕ್ಕರ್ ಹೋ ಗಯಿ ಥೀ ಉಸ್ಕಿ ಖಬರ್ ಆಜ ಸುಬಾ ಮೇ ಹಮೇ ಯೇ ಮಿಲಿ ಕೆ ವೋ ಬಚ್ಚೆ ಕಾ ಆಜ ಇಂತಿಖಾಲ್ ಹೋ ಗಯಾ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಪಿಛ್ಲೆ ಏಕ್ ದೋ ಸಾಲ್ ಸೆ ಕಹೀ ಸಾರೆ ತನ್ಜೀಮೋ ನೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಿಯಾ, ಕಹೀ ಸಾರೆ ತನ್ಜೀಮೋ ನೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ದಿಯಾ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾವಜೂದ ಭೀ नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही की वजह से दिन पर दिन एक्सीडेंट्स रिंग रोड्स पर बढ़ते जा रहे हैं और रिपेयर का काम हो रहा है
फौरन एक पानी आया या दो बारिश आए तो उसमें वो जो पैचवर्क जो कर रहे हैं वो पानी में भो के चले जा रहा है। और रिंग रोड पे सिग्नल्स इतने स्ट्राइक के बाद सिग्नल्स बैठे हैं रिंग रोड पे, उसके जब से बैठे हैं उसके बाद से आज तक कोई सिग्नल्स चालू नहीं है। पूरे तकरीबन सिग्नल्स देखिए आप पूरे बंद हैं, कोई ट्रैफिक की बंदोबस्त ट्रैफिक पुलिस का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई पुलिस चौकी नहीं है, तो उसके बाद कैसा यहाँ पर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। उसके बाद और जो ये जो लड़का नासिर अहमद जो लड़का जिसका लड़के का एक्सीडेंट होकर इंतकाल हुआ है, हमने आज नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजर साहब से ये डिमांड की है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर 302 केस बुक किया जाए और बच्चे के घर वालों को 25 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाए।